हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीस रिव्यूज़। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का जो लेटेस्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन बुक का रिव्यू करने वाला है सौमित्रा मोहन का। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, सिर्फ सिविल सर्विस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इंडियन पॉलिसी के बारे में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है और काफ़ी इतनी आसान लैंग्वेज से लिया है, कोई भी आदमी इसको आराम से समझ सकते हैं। ओके, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी एग्जाम्स लेंगे, आरबीआई बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहता है। ओके, और ये वाला बुक अगर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो ऑफर प्राइस में आपको लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप एक्चुअल एमआरपी से सस्ते में खरीद सकते हैं। ओके, चलो इस बुक में एक एक चीज़ देखते हैं, वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है एक्चुअली। सो चैप्टर्स जो नया एडिशन में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स इनटू सेक्शंस फॉर मोर लॉजिकल फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली एक न्यू एडिशन आने के टाइम क्या कुछ नए चैप्टर्स ऐड होते हैं और जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और कुछ लेटेस्ट स्कीम्स आ गए वो सब चीज़ अपडेट होते हैं, और पुराना जो फॉर्मेट है ना और ज़्यादा आसान तरीके से बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का फीडबैक मिलता है एक बुक रिलीज करने से बाद करने के बाद। ओके, तो चलो देखते हैं बुक के बारे में। थर्ड एडिशन है अभी, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हमें उसका कंटेंट्स देखना पड़ेगा। ओके, तो कंटेंट्स में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो सेक्शन वन में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम के बारे में डिटेली बताया, लाइक मिनिस्ट्री वाइज आपको मिल रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ तो आपको पता है, हमेशा मिनिस्ट्री वाइज क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा ही जाता है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो उसका अंदर कितना स्कीम है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से दिया है। ओके, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो रहा है। तो आपको पता है अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं, बट एक और चीज़ है मेंस में एग्रीकल्चर टॉपिक से काफ़ी लिबरल जाते हैं। नहीं, एक और चीज़ बताता हूँ, प्रीलिम्स में पिछली साल कुछ 7-8 क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर एरिया से। तो स्कीम्स पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्या अपने किसान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्टेड है और कैसे उन लोगों को ऊपर लेके आने, वो काफ़ी सारा चीज़ वो स्कीम के अंदर छुपा हुआ है, वो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री वाइज उसमें स्कीम्स प्रोवाइड किए हैं। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऐसा बुक के लिए सारा लोग ढूंढ रहा था। मैं पता हूँ दूसरा जो IAS पार्लियामेंट वो सब चीज़ वगैरह, दूसरी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन का जो बुकलेट आता है ना वो हम रेफर करते रहते थे स्कीम्स के लिए, बट ये बुक मतलब काफ़ी कमेंडेबल काम इन लोगों ने किया है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सपोज कुछ एक स्कीम हम देखते हैं कैसे इसका प्रेजेंटेशन क्या है। ओके, 28 ओके, लेट्स गो टू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में एक चैप्टर दिया है उन्होंने, तो उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया है। तो मतलब प्रेजेंटेशन कैसे है चैप्टर्स का मैं बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पेपर क्वालिटी तो अच्छा है और इतना कंजेस्टेड नहीं है, तो आप पढ़ने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहता है, और बुलेट पॉइंट भी दिया है तो आराम से आप समझ भी सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो आप देख सकते हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में दिया है, तो हर एक इम्पोर्टेंट स्कीम वो जो चीज़ें वगैरह है तो उसके बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टेबल्स दिया है, तो कंपैरिजन के लिए काफ़ी अच्छा है, टेबल्स से आप आराम से समझ सकते हैं। सो दिस प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी बढ़िया चीज़ उसमें मुझे लगा। तो वापस हम कंटेंट्स में आते हैं, तो आप इसको पोस्ट करके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स देख सकते हैं। सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चीज़ें हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी जो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसमें से तो एनवायरमेंट में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी नया एस्पिरेंट है और ऑलरेडी एक साल का प्रिपरेशन हो चुके फिर भी ऐसा कोई मिनिस्ट्री आपने नहीं सुना वो भी इसमें आपको मिलने वाला है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम अफेयर्स, मेंस के लिए वेरी गुड, लाइक काफ़ी यूजफुल है और प्रीलिम्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया आपके लिए असेट रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पोल्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत स्कीम इसमें कवर हो रहे हैं, अब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, अगर मैं पढ़ने बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक ही चीज़ एक ही व्यू में आपको पता कर सकते हैं, ये आपको यूज़फुल चीज़ ही रहेगा आपका यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और कोई भी एग्जाम और आप कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, कोई भी मतलब सोसाइटी रिलेटेड काम आप करना चाहते हो, अगर आप एनजीओ में काम कर रहे हैं, कोई सोशल वर्कर है, कोई भी हो, ये स्कीम्स पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एनजीओ और सोशल वर्कर है तो आप काफ़ी सारा लोगों में जो तकलीफ में है उन लोगों को देखने जाते हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं यार ऐसा एक स्कीम अवेलेबल है, आप जाके जो जिला का कलेक्टर है या जो भी उसको रिलेटेड ऑफिसर उधर जाके बोल सकते हैं ऐसा एक स्कीम है, आप
आप इस स्कीम के सारे इन लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये स्कीम सोशल वर्कर्स और एनजीओ में काम जो करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये बुक। और कोई भी आदमी समझना ज़रूरी है क्योंकि आपने क्या क्या चीज़ है। और इसके बाद इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक चैप्टर दिया है सेक्शन 5 में। ओके, और दूसरे एक चीज़ है इम्पोर्टेंट सोशो इकोनॉमिक कंसेप्ट, उसके बारे में दिया है। और लाइक बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो सब चीज़ जो नॉर्मल क्वेश्चन आते रहते हैं इन इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो आप देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन सा कौन से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, रीजनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, ये सब चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो इस बुक में एक चीज़ आप समझ सकते हैं, आप जैसे हमने देखा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन से आ सकते हैं, और एनवायरमेंट का भी इसमें से आने की संभावना है, पॉलिटी रिलेटेड भी है और इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड भी है, और जितना भी चीज़ है काफ़ी सारा चीज़ इसमें कवर कर रहा है, एक मैजिकल बुक आप बोल सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं चैप्टर का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इट्स रियली अ गुड बुक एक्चुअली। सोचा ये चीज़ आपको ये पढ़ाई करने में आपको कैसे यूज़ करना है, मैं इसका एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ये बुक आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी नया स्कीम के बारे में सुन रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, उसमें से कई होगा न्यूज़पेपर में, ओके प्रधानमंत्री दिस दिस योजना से ये वाला काम होने वाला है, तो वो योजना क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो आप इस बुक में इसे रेफर कर सकते हैं। ओके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं वो इसमें आप आराम से रेफर कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ एक दो और बुक मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा, ये सब आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बुक मिल जाएगा। एक है जो प्रीवियस 7-8 7 ईयर्स के लेटेस्ट 8 ईयर्स के, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। 8 ईयर्स का मेंस का क्वेश्चन पेपर्स है, लाइक पेपर 1-4, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, उसमें स्कीम्स का जो इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी में कितना फोकस दिया गया है, आप प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन से देख के देख सकते हैं एक्चुअली। और दूसरा है प्रीलिम्स क्वेश्चंस, जो पिछले 26 ईयर्स का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो देख के भी आप काफ़ी सारा चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये बुक काफ़ी बढ़िया बुक रहेगा आपका प्रिपरेशन के लिए। और कोई भी डाउट है इस बुक के बारे में आप ज़रूर मुझे वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी नया बुक का रिव्यू आप चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, हम थोड़ा सा ये चीज़ को आपको रिव्यू देने के लिए कोशिश करते रहूँगा एक्चुअली। और एक और चीज़, न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ने के लिए कोशिश थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस यूपीएससी में ड्राइव होता है, प्रीलिम्स में भी आप देखा तो मोर देन 60-65% क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ है जो स्टैटिक है वो एनसीईआरटी वगैरह में से 30-35 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं। ओके, तो करंट अफेयर्स और जो लेटेस्ट एडिशन इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि जो अभी अभी जो नए नए स्कीम्स आए वो सब चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए, और आपका दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप जब हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।